ट्राई गाइस, तो आज हम लोग करने वाला पाइथन का पार्ट 3। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर 1 का जो भी मैंने उस पिछले पार्ट में सीखा है वो आपने सीख लिया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरा मेरा पाइथन का कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने तीसरा चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ, चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इन पाइथन। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट करेगा पाइथन में। तो वीएस कोड खोल लेता हूँ मैं, ये मैंने पहले से ही लिख के रखा था, तो अभी मैं इसको डिलीट करके आपको फिर से दिखाऊंगा। तो हम लोग को इधर प्रिंट लिख देना है, फिर इधर हम लोग को वो आपको याद होगा जो हम लोग को लंबा लाइन लिखना होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं ये थ्री कॉमा लिखते हैं और उसके बीच में हम लोग अपना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है इसलिए हम लोग उसके लिए 3 रख रहे हैं। तो मैंने वेब से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कॉपी किया है, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे 3 डॉट्स भी मैंने लगा दिए हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप ओवर द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड विंडो, प्रिंट हो गया है। तो अब हम लोग इसको काट लेते हैं। तो ये तो अब अगले बारे में, तो यूज REPL एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग दिस। REPL का मतलब पावर सेल, ये याद रखिएगा, REPL का मतलब पावर सेल को प्रिंट करना है, ठीक है। REPL मीन्स पावर सेल। तो अब इसमें टेबल ऑफ 5 प्रिंट करते हैं। तो अभी हम लोग अपना पार्सल खोल लेते हैं। ये मैंने पार्सल खोल लिया, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब हम लोग इधर पाइथन में घुसेंगे, तो हम लोग इधर टाइप करेंगे पाइथन, ये घुस गए हम लोग पाइथन में। इधर 3 टू लाइन आ गया, मतलब कि आप घुस चुके हैं पाइथन में। तो अब हम लोग इधर 5 का टेबल लिखेंगे। तो 5 का टेबल लिखने के लिए आपको इधर 5 मल्टीप्लाइड बाय स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, क्योंकि जो बहुत सारे कोड्स होते हैं उनमें मल्टीप्लीकेशन को ही, मतलब जो स्टार होता है उसको ही मल्टीप्लीकेशन का साइन मान जाता है। बहुत सारे कोड्स में, आप कुछ कोड्स में होते हैं पर मुझे उतना नहीं पता, पर पाइथन में यही फंक्शन है। तो अभी हम लोग इसको 5 × 1 = 5 हो गया। अब हम लोग इधर 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे कि 5 × 4 = 20 हो गया, 5 × 5 ये थोड़ा सा गलती हो गया, 6 दब गया, 5 × 5 ये शिफ्ट दब जा रहा है मुझसे, सॉरी, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 30, 5 × 7 = 35। आप ये जो स्टार वाला साइन आप देखिए, जो आपके नंबर लाइन में 8 लिखा रहता है जिधर, उधर ही आपका ये स्टार वाला साइन आपको मिल जाएगा। आप ऐसे शिफ्ट दबा के मैं थोड़ा सा जल्दी में शिफ्ट 5 के ही समय दबाता हूँ, इसलिए परसेंटेज लिखा जाता है, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम लोग इधर 5 × 8 कर देते हैं, 40, 5 × 9 कर देते हैं, 45, और यहाँ पे 5 × 10 कर देते हैं। तो ये आ गया 50। हम लोगों ने इधर 5 का टेबल पूरा लिख लिया है, इसलिए वो समय डिलीट करने का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 का फुल टेबल लिख लिया है, 5 × 5 = 15, 5 × 15 = 20, 5 × 5 = 25 पूरा लिख लिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही आप 5 का टेबल, तो हम लोग का ये पूरा किया। तो मैं अभी इधर एग्जिट कर जाता हूँ पाइथन को, एग्जिट और ब्रैकेट, और ये हम लोगों ने पाइथन फिट कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। तो देखिए, अभी तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, पर मैं आपको एक ऐसे दिखा देता हूँ जो कोड विथ हैरी ने किया है मॉड्यूल। तो आप देख सकते हो एक प्ले साउंड मॉड्यूल आता है, आप सर्च करना प्ले साउंड मॉड्यूल फॉर पाइथन, तो आप उसको डाउनलोड करके ऐसे आप टिप से उसको इंस्टॉल कर सकते हो और पाथ डाल के साउंड को प्ले कर सकते हो।
मैं आपको ये अगले अगले पार्ट में दिखाऊंगा जब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड रहूंगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी ओएस मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन फॉर फंक्शन विद दिस। तो मैंने तो अभी आपको बताया कि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं अभी आपको इधर तक जाऊंगा। तो आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओएस क्या होता है, ओएस मॉड्यूल। तो जो ओएस मॉड्यूल रहता है वो पहले से इंस्टॉल रहता है, मतलब उससे हम लोग ओएस का काम करते हैं। जैसे कि मैं इधर करता हूँ इम्पोर्ट इम्पोर्ट ओएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है क्योंकि ओएस पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर हम लोग इधर प्रिंट और इधर हाँ, तो ये हम लोग का हम लोगों ने मॉड्यूल लिस्ट में ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो ऐड हो गया। हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम लोग लेबल द प्रोग्राम रिटर्न फोर रिटर्न इन प्रॉब्लम विद फोर कमिंग्स। लेबल द प्रोग्राम रिटर्न इन प्रॉब्लम विद फोर कमेंट। अब हम लोग देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने थ्री कमेंट्स लिखे हैं। हम लोग और एक कमेंट ऐड कर देते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ सर आई एम ऑलटेक, ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो प्रिंट डॉट ओ एस डॉट लिख दिया यार, लिख दो और वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो देख सकते हो तो जो आपका ये जो लिस्ट डी आई आर का जो फंक्शन है ये आपको बताता है कि आपका जो लोकेशन है वो कैसे है, आपका जो भी आपने फाइल वी एस कोड में खोला है वो कैसे आपका है, उसका लोकेशन कितने फाइल्स खुले हैं वैसे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो सिस्टम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो वी एस कोड ट्विंकल सीवाई, यहाँ पे आपका पूरा पाथ आ चुका है। ऐसे ही आपका ओ एस फंक्शन वर्क करता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले बार हम लोग दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।